आज के एपिसोड में हम देखेंगे, स्वागत है सबका द वर्ल्ड क्रिकेट डॉट कॉम पे। इल्लू भैया का कैप्टेंसी और बाकी जो जितने सारे प्लेयर कैप्टन है तो क्या अंतर है दोनों टीमों में, और ये इल्लू भैया का कैप्टेंसी और अदर कैप्टन में क्या अंतर, क्या डिफरेंस? अब शक्तिमान का दो तीन इंसिडेंट हम शेयर करेंगे, शक्तिमान के हम बहुत बड़े फैन थे। आपका क्या है, बीवी बीमार है, करीब में ससुराल है, कल तो रविवार है, ना कहो ना प्यार है। Hi, this is Sachin Tiwari. Please do subscribe the page theworldcricket.com and don't forget to press the bell icon for regular updates. Thank you. तो दोस्तों स्वागत है आपका। अरे आप आ गए तो आपने तो शो होस्ट किया ही है, हमारा शो भी होस्ट कर दे। स्वागत है सबका द वर्ल्ड क्रिकेट डॉट कॉम पे। ये लॉकडाउन का पहला वेब शो है, द लॉकडाउन शो, तो वेलकम एवरीवन। मैं आपका होस्ट और दोस्त किशोर कुमार बैनर्जी, मेरे साथ मेरे सह होस्ट आदित्य कुमार पांडे। तो हमारा जो पिछला एपिसोड था वो टीम ओनर और ऑर्गेनाइजर के ऊपर था, मुन्नादा स्पेशल और केएमपीएल स्पेशल था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और आप वो वीडियो देख सकते हो। पिछले वीडियोस में हमें, पिछला जो प्रीवियस एपिसोड था उसमें हमें कुछ कमेंट मिले, तो वो आप, मैं आप सबको दिखा देता हूं। जो हमें कमेंट्स मिले हैं उन कमेंट्स में से हम यही कह सकते हैं कि हम जो है टेनिस क्रिकेट का ये जो पहला वेब शो है तो लॉकडाउन शो को कंटिन्यू रखेंगे, आता रहेगा शो, एंजॉय करते रहेंगे आप। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला जो गेस्ट, हमारा जो गेस्ट है, आज के जो गेस्ट है वो सचिन तिवारी, हमारे बंगाल टेनिस क्रिकेट के स्टाइलिश प्लेयर में माने जाते हैं, तो स्वागत करते हैं उनका। हाय सचिन, शो पे कैसा लग रहा है आके, शो पे आके कैसा लग रहा है आपको? काफी अच्छा लग रहा है आदित्य, बहुत अच्छा वेब शो है, काफी सारा शो चल रहा है, उसमें से ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट शो है। तो आपने भी होस्ट किया है एक शो, तो आपको कैसा लगा होस्टिंग करके, फर्स्ट टाइम इस जोन में आके कैसा लगा, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, न्यू रोल? अच्छा एक था, एक्सप्लोर करना चाहिए नया नया चीज, चैलेंजेस अच्छा लगता है मेरे को। तो राजदा का आइडिया था मेरे से होस्ट करवाने का, तो अच्छा था एक्सपीरियंस। लॉकडाउन कैसा कटा आपका? लॉकडाउन सबका ऐसे ही कटा, कैदी के जैसा घर पे। तो इस टाइम में जो है, नॉर्मली तो नॉर्मल डेज में जब लॉकडाउन पीरियड के पहले फिटनेस के लिए कुछ रिजीम आप तो लेते ही होंगे, इस टाइम में क्या किया, क्योंकि प्रिजनर जैसे थे हम लोग सब, कैदी जैसे, आपने कहा? हाँ हम लोग के 10-15 दिन, 2 हफ्ते तो घर पे ही थे, लॉकडाउन 1 पूरा घर पे। उसके बाद में फिर जैसे जैसे पता चला कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो छत है अपना, छत पे जाके थोड़ा बहुत अच्छा फिटनेस विटनेस का चालू रहता था। तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब अनलॉक आया तो पहला काम क्या किया आपने, अभी जो अनलॉक चल रहा है ना, रहता है ना कि मतलब आजादी मिला, बाइक लेके बाहर निकले घूमे रोड पे, पता चला कि अभी फ्रीडम मिली है और क्या। लॉकडाउन के सिचुएशन में, इस टाइम में, इस कालीन कुछ नया चीज सीखा जो पहले सीखा नहीं था? ये होस्ट, शो को होस्ट किया ये नया इम्पोर्टेंट थी, ये नया काम नहीं सीखा। घर का काम हम शुरू से ही करते हैं अपना, घर का सारा काम हम मैक्सिमम काम कर लेते हैं अपना भी और घर पे, शुरू से आदत है, वो चीज को लेके प्रॉब्लम नहीं हुआ। फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड किए क्योंकि सबका ऑफ हो गया था एक्चुअली, सारा फैमिली मेंबर्स एक साथ, तो ये ब्रेक लगना एक तरह से अच्छा भी था सबके लिए कि सब लोग जिसके फैमिलीज अपने घर पे थे तो वो लोग अपने फैमिली के साथ काफी टाइम स्पेंड किए ये लॉकडाउन में, ऐसा टाइम शायद अब नहीं मिलेगा पूरी लाइफ किसी को। गोल्डन गोल्डन मेमोरीज बनेगा ये, एकदम एकदम। लॉकडाउन में हम लोग सब कैरम, कार्ड, लूडो,
मतलब क्रिकेट के अलावा भी इंडोर गेम खेले? इंडोर, पूरा इंडोर खेला है, रात रात भर चलता था। जैसे सीजन में रात रात भर क्रिकेट खेल रहे थे तो लॉकडाउन में रात रात भर लूडो कैरम। ऑनलाइन खेलते थे कि ऑफलाइन, मतलब पूरा बोर्ड वोर्ड है आपके? हाँ हाँ बोर्ड है, बोर्ड है, घर पे कार्ड खेलते थे हम लोग, तीन भाई है पापा हम लोग। अच्छा, 29 चलता था पूरा रात रात 29। तो मजा कौन सा में आ रहा था, लॉकडाउन वाला जो गेम खेल रहे थे इंडोर वो, या जो सीजन में आउटडोर खेल रहे थे? सीजन वाला तो फैशन है अपना, वो चीज का अलग मजा है, और ये फैमिली के साथ गेट टुगेदर सब खेलना वो अलग मजा है, दोनों अपने अपने जगह बेस्ट है। तो थोड़ा बचपन के बारे में आप अपना बताएं, बचपन कहाँ, स्कूलिंग वूलिंग कहाँ से हुआ, कॉलेजिंग कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, सारा बताएं, जन्म कहाँ हुआ पहले? जन्म मेरा यहीं पे हुआ, और पहले हम लोग रहते थे एक्चुअली काशीपुर बोल के एक जगह है। अच्छा, बागबैया साइड, तो पहले वहीं रहते थे, बचपन से वहीं पे पैदा हुए, वहीं पे थे, स्कूल हम लोग का था बिडेन स्ट्रीट। अच्छा। ज्ञान भारती बोल के स्कूल था बड़ा बाजार के पास में, वहां से क्लास 12 तक उसमें ही थे, उसके बाद पढ़ने में थोड़ा बहुत ठीक ठाक थे, फिर वहां से इंजीनियरिंग टेक्नो इंडिया। अच्छा, टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक सेक्टर 5। हमारे बंधु थे, करीबी थे आप, हम ब्रेनवेयर में थे। हम ब्रेनवेयर में थे। ओ, पड़ोसी थे? हाँ पड़ोसी। अच्छा तो, क्या कहते हैं इसको, मतलब इस टाइम पीरियड में जैसे कि ये पढ़ाई का कालीन आपका टाइम चल रहा था, इस टाइम पीरियड में आपका टेनिस क्रिकेट का रुझान कब से आया? मतलब टेनिस क्रिकेट लेके जाना है, इतना बड़ा सोचना है, मतलब क्रिकेट खेलते थे ड्यूस पे, खेलते थे एक्चुअली क्लास 8-9 से ही। अच्छा, तो ड्यूस खेलते थे, ड्यूस पे फिर धीरे धीरे ड्यूस पे खेलते थे, और हम लोग के इधर कोलकाता साइड में रोड क्रिकेट बहुत होता है। हाँ। रोड पे होता है, सिर्फ स्ट्रेट छक्का रहता था, मलंगा में एक होता है, मलंगा में। हाँ, बड़ा बाजार साइड बहुत होता है, बड़ा नॉर्थ कोलकाता में ज्यादा होता है, नॉर्थ कोलकाता में ज्यादा होता है, और सेंट्रल कोलकाता नॉर्थ कोलकाता में बहुत होता है। हाँ। वही चलता था, सिर्फ ड्यूस और रोड क्रिकेट खेलते थे, मजा आता था। उसके बाद धीरे धीरे एक राजीव सेन बोल के एक आदमी थे, तो वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। क्लास टेन में हम पहली बार टूर्नामेंट खेलने गए थे टेनिस बॉल का, ग्राउंड पे, ऐसे रोड का टूर्नामेंट खेलते थे बहुत। तो हावड़ा में कहीं पे डोमचूर के अंदर में पहला टूर्नामेंट खेलने गए थे, अच्छा खेले वहां पे, तब बैटिंग बॉलिंग दोनों करते थे, ऑलराउंडर थे। तो वहां से फिर वो धीरे धीरे मेरे को खिलाना शुरू किए, और टेनिस बॉल का एक ऐसा नशा है कि ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता और मजा बहुत आता है। और ड्यूस में बहुत मेहनत करना पड़ता है, मैच कम है। अच्छा। मैच कम खेलने को मिलता है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो उस टाइम जितना अपना मेंटालिटी था, सिर्फ पढ़ाई भी साथ साथ मेंटेन करना था, और ड्यूस को मेंटेन करने के लिए सिर्फ ड्यूस ही खेलना पड़ेगा और कुछ आप साथ में मुश्किल है। तो एंट्रेंस क्लियर हुआ, बीटेक में एडमिशन हुआ, प्रैक्टिकल अटेंड करना ही है, थ्योरी क्लास मिस हो गया तो प्रैक्टिकल अटेंड करना है हफ्ता में 5 दिन। तो ड्यूस से धीरे धीरे कम होता गया और टेनिस में बढ़ता चला गया इंटरेस्ट। बस फिर वो टेनिस खेलते खेलते धीरे धीरे अपना हाईलाइट हो गया। हमने सुना है कि आपका कॉलेज लाइफ का जो आधा पल था वो क्रिकेट खेलने में ही बिता दिया आपने। हाँ, क्रिकेट कॉलेज का 4-4.5 साल में 2 साल मेरा क्रिकेट खेलने में चला गया। सॉल्ट लेक में 2-3 ग्राउंड है, सॉल्ट लेक ग्राउंड काफी अच्छा है, और ऐसा ऐसा दोस्त लोग भी था जो लोग पूरा, वो लोग भी पागल ही था पूरा क्रिकेट खेलने के लिए। साथ से मिलके सुबह 6 बजे मैदान में, जब तक अंधेरा नहीं होता शाम को तब तक क्रिकेट चल रहा है, ऐसा होता था वो लाइफ का कॉलेज से मोमेंट। कॉलेज से कभी गार्जियन कॉल नहीं हुआ कि आपका लड़का अटेंडेंस तो बहुत ही कम है, दिन भर खेलता रहता है? मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब टेक्नो से बोला कि आपका अटेंडेंस कम है? टीचर अटेंडेंस 75% अटेंडेंस का रहता है ना कोटा। हाँ, वो फर्स्ट ईयर में सिर्फ डराने के लिए रहता है एक्चुअली, जो बीटेक करता है उसको पता है, जो लोग नया नया आता है वो लोग डराने के लिए, फिर वो लोग एक सेमेस्टर में समझ जाता है कि क्या ये लोग फेक, सब कुछ होता है फेक। टीचर्स लोग का जितना भी
स्ट्रेटेजी होता है वो सब फंसाने के लिए, फैला देते तो वो लोग खुद ही निकाल देते थे क्लास से, जाओ खेलो क्लास में रह के डिस्टर्ब करेगा इससे से जाओ क्रिकेट खेलो। कॉलेज में भी हम लोग का ग्राउंड था अच्छा, तो वहां पे ही पढ़े रहते थे, खेलते थे, मस्त मजा आता था। तो आपको आपको जो है टेनिस क्रिकेट में सबसे स्टाइलिश माना जाता है एज पर मतलब लुक्स एंड ऑल, इसमें आपका ओपिनियन क्या? ये चीज में हम तो बता नहीं सकते क्योंकि जो लोग आपको कैसा लगता है वो बोलिए, आपने सुना होगा तो अच्छा लगता है यार ये तो वो काफी है। कुछ भी चीज अगर पॉजिटिव वे में आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो वो काफी अच्छा लगता है सुन के, और सब लोग करता है जो भी जो लोग सामने से देखते हैं या जो जज करते मतलब ऐसा ऐसा हो कि मतलब कोई भी चीज बंगाल टेनिस क्रिकेट का हम करें आपको ब्रांड एम्बेसडर रख सकते हैं इस तरीके का चीज है? नहीं उस चीज के लिए अभी हम बहुत उस लाइक में है एक्चुअली, तो स्टाइलिश प्लेयर ना ये हम मैंने परफॉर्मेंस पे नहीं बोला, जस्ट एज पर लुक्स पे अगर बोल दो तो आपको खड़ा कर सकते हैं सबसे पहले ज्यादा अच्छा कब लगता है अगर आप खड़ा करते ज्यादा अच्छा कब लगता है जब लोग आपको स्टाइलिश प्लेयर बोल के बुलाते हैं या फिर चमड़ी बोल के जो आपका एक वीक नेम है वो बोल के बुलाते हैं? चमड़ी ये आया कब से ये बताया, इसका हिस्ट्री बताया। तो चमड़ी वाला चीज स्टार्ट हुआ एक्चुअली दीपदा चुचुड़ा एवरग्रीन के ओनर थे दीपदा, तो उनका बहुत काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है टेनिस क्रिकेट में बंगाल का। तो फर्स्ट उनके टीम में तब हम खेलते थे 2017 का टाइम था शायद 2016-17 में, तो 17 में वहां खेलने गए थे उनके टीम में, स्वगतता भी थे, जगत था, कमरुल्ला था, तो सब लोग का अच्छा टीम था, बाबादा था। तो वहां पे मेरे को सुधांशु दा थे वो मेरे को ड्रॉप करने का बोले थे, अच्छा टीम को ड्रॉप कर दो नया लड़का है, तो सही फाइनल है और कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट गेम था। तो फिर उस टाइम मेरे को गुस्सा आ गया था तो हम बोले मेरा नाम सचिन तिवारी है, हम बैठने के लिए नहीं खेलते क्रिकेट, ठीक है? तो उस टाइम में फिर हम बोले कि भैया आप दीपदा हमको जानते थे एक्चुअली, दीपदा के साथ हम काफी अच्छा परफॉर्म किए थे, हम बोले दीपदा हमको उतारिए हम बॉलरों का चमड़ी ले लेंगे जाके मार के। तो वही स्टार्ट हुआ और उस दिन हम अच्छा मारे भी थे बॉलरों को, मतलब रन किए थे अच्छा। तो उस टाइम से फिर दीपदा मेरे को चिढ़ाना शुरू कर दिया, सबको बोलता था जा चमड़ी लेके आ बॉलरों का, तो वो एक मंत्रा हो गया था कि वो बोल के जब जाते थे तो रन बना दे बन जाता था अच्छा। तो उसी वजह से दीपदा एक्चुअली उसको फेमस कर दिया बोल बोल के सबको, मतलब इन्वेंटर आप थे, मतलब उसको फैलाया वो, हाँ हाईलाइट किया दीपदा वो हम एक दो बार ऐसे ही बोल दिए थे गुस्सा में बट चल जाता था। अच्छा मगर क्या करे आप, मगर क्या करे बंगाल टेनिस क्रिकेट में 6 ओवर का मैच होता है तो हार्डली एक बॉल दो बार ही यूज होता है तो बॉल का चमड़ी फटता नहीं है, मगर अगर एक ही होता तो आप चमड़ी फाड़ देंगे। चमड़ी चमड़ी अगर फट जाएगा तो फिर वो बॉल से खेला भी होगा ना, बॉल चेंज हो जाएगा। वही अच्छा अच्छा अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि ये जो आपने देखा भी होगा कि द लॉकडाउन शो में हम इस चीज को 3 हिस्सों में राउंड में तोड़ते हैं। पहला राउंड रहता है क्रिकेटिंग राउंड, दूसरा राउंड रहता है नॉन क्रिकेटिंग राउंड, तीसरा रैपिड फायर राउंड। क्रिकेटिंग राउंड में हम क्रिकेटिंग कुछ सवाल करेंगे तो क्रिकेटिंग राउंड को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो आपके लिए रहेगा, टेनिस क्रिकेट में आपने कब डेब्यूट किया यार और किस टीम से होके खेला? कब डेब्यू किए? 2010 में डेब्यू किए थे। अच्छा वो राजीव दा का टीम था, टीम का नाम एक्चुअली नहीं पता। अच्छा। हम लोग 4 या 5 जन गए थे खेलने, हावड़ा में खेलने गए थे डोमजूर भास्कुर में, मतलब अभी 10 साल हो गया आपका। हाँ 2010 में हम पहली बार खेले थे। वो प्रोफेशनल क्रिकेट था या फिर ऐसे ही गए थे? नहीं प्रोफेशनल था वो, उस टाइम पे टूर्नामेंट ही था। हाँ टूर्नामेंट ही था और वो टूर्नामेंट हम लोग जीते थे, रनर हुए थे। अच्छा एक दिन में एक मैच होता था 16 ओवर का। अच्छा ये लंबा ओडीआई फॉर्मेट हो गया। हाँ लॉन्ग मतलब टूर्नामेंट नहीं है, मतलब ओडीआई टाइप। हाँ तो आप तो बीबीडीसी के लिए भी खेले हुए हैं तो इल्लू भैया का कैप्टेंसी और बाकी जो जितने सारे प्लेयर कैप्टन हैं तो
क्या अंतर है दोनों टीमों में, और ये टिल्लू भैया का कैप्टेंसी और अदर कैप्टेंस में क्या अंतर, क्या डिफरेंस? अब टिल्लू भैया का कैप्टेंसी बोल के वैसा जरूरत नहीं पड़ता उनको, क्योंकि उनके पास सारे स्टार प्लेयर्स रहते हैं, तो जो जहाँ उतरता है वो लोगों को पता रहता है कि क्या रोल है, क्या करना है, कि किसको क्या करना है नहीं करना है। मैक्सिमम टिल्लू भैया का गेम सेंस बहुत स्ट्रांग है। तो आप तो बीबीडीसी में भी खेले हैं और अदर टीम में भी खेलते हैं, तो माहौल क्या रहता है उनके बीबीडीसी के अंदर का माहौल और बाकी टीम के माहौल में क्या डिफरेंस? बीबीडीसी में सब कुछ आपको मिल जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, जीतते रहेंगे हारते रहेंगे। बाकी टीम में क्या रहता है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है, परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा अच्छे टीम जगह। बीबीडीसी में क्या, एक दो मैच, चार मैच, पांच मैच नहीं भी परफॉर्म किए तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका बैकअप रहता है आपका, आपने किया तो कोई और कर देगा, वो नहीं किया तो वो कर देगा, तो लाइन से सब एक से एक स्टार है। और एक एवरेज टीम में क्या है कि इंडिविजुअली सबको अच्छा खेलना पड़ेगा तभी जीतेगा टीम। तो आपने बीबीडीसी क्यों छोड़ा, ये सवाल है। बीबीडीसी के लायक अभी हम शायद नहीं हुए, इसीलिए हम छोड़ दिए, क्योंकि बीबीडीसी में अभी खेलने का मेरा वो टाइम नहीं है, अभी मेरे को और थोड़ा सा प्रूफ करना है। अपने आप को प्रूफ करने के लिए? हाँ, अपने आप को थोड़ा सा और प्रूफ करने, क्योंकि उसमें खेलने का मतलब है कि आप सेफ हो गए, वो हो गया मतलब छुट्टी, आगे कुछ है नहीं, वही एंड है। टिल्लू भैया का टीम बीबीडीसी तो आज है, पांच साल बाद नहीं रहेगा, या पहले भी दूसरा टीम था, बट वो टिल्लू भैया का जो टीम है वो टीम तो बहुत साल से है, तो वही चीज है। उस टीम में, टिल्लू भैया की टीम में खेलने का मतलब है कि फुल स्टॉप, उसके आगे कुछ नहीं है बंगाल में, तो उससे थोड़ा सा हट के खेलने में ज्यादा मजा है। तो अभी आप तो जेबीएल कांड्रा के लिए भी खेले हैं, जेबीएल सुमन भैया की टीम के में, तो बाहर के प्लेयर तो वहां ज्यादा है, तो बाहर के प्लेयर लोग के साथ बॉन्डिंग करना कितना आसान होता है या फिर कितना कठिन होता है? बाहर के प्लेयर्स के साथ बॉन्डिंग करना थोड़ा मुश्किल है पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि वो लोग यहाँ के प्लेयर्स को बहुत ये करता है, डोमिनेट करता है या वैल्यू नहीं देता होता, जो चीज मेरे को हर्ट किया। और जेबीएल का अंदर तीन या चार टूर्नामेंट खेला टोटल लास्ट ईयर, कमिंग सीजन में देखते हैं कितना टूर्नामेंट खेलते हैं जेबीएल का अंदर। बट बाहर का प्लेयर्स लोग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो लोग अपने आप को सुप्रीम समझता है, जो कि गलत है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है ना। बाहर का टीम आके यहाँ पे कितना टूर्नामेंट चैंपियन हुआ है, एक भी नहीं हुआ बड़ा टूर्नामेंट, तो यही वो लोग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो तीसरा सवाल जो रहेगा वो एक क्विज रहेगा आपके लिए, तो ये दर्शक के लिए भी रहेगा, एक इमेज आएगा जिसमें चार ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, आपको देखना है। ये बताए, गेस द टेनिस क्रिकेटर, बताए हम। हाँ, ऑप्शन दिया हुआ है शैंकी, राज पासवान, अंकुर सिंह, नन ऑफ देम। अंकुर सिंह सही जवाब है। पहचाना कैसे? कैसे पहचान? हेयर स्टाइल और थोड़ा सा उनका आर्म। अच्छा, तो बाहर में तो आप क्रिकेट खेलते हैं और बंगाल में भी खेलते हैं, तो दोनों जगह में डिफरेंस क्या है, क्रिकेट में क्या डिफरेंस है? बंगाल क्रिकेट में थोड़ा पैसा एक्चुअली ज्यादा है बाहर से, और ग्राउंड भी एक फैक्टर है, क्योंकि बंगाल के जैसा ग्राउंड बाहर में नहीं है, इतना छोटा ग्राउंड। यहाँ पे छोटा ग्राउंड का रेशियो ज्यादा है बड़े ग्राउंड के, मतलब छोटा ग्राउंड होने पे एडवांटेज क्या मिल रहा है या डिसएडवांटेज क्या मिल रहा है, ये बताएं। छोटा ग्राउंड पे दोनों है, बॉलर लोग के लिए डिसएडवांटेज है और बैट्समैन लोग के लिए थोड़ा एडवांटेज है, बट बैट्समैन लोग भी अगर वहाँ छोटे ग्राउंड में दो तीन बॉल डॉट कर जाता है ना, तो फिर वो डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि प्रेशर फिर बड़े कि छोटा ग्राउंड में। तब अगर हम ये बोले कि अगर ये बॉलर के लिए डिसएडवांटेज है, तो बंगाल टेनिस क्रिकेट में कभी अच्छा बॉलर हाईलाइट ही नहीं होगा, इसीलिए तो नहीं हुआ फेयर एक्शन में, क्योंकि जब चेकिंग था तो जो फेयर करता भी था वो जोर बढ़ाने के लिए अपना जान मुझ के चेक करने लगा था, इसीलिए फेयर बॉलर का आज कमी हो गया बंगाल में, मतलब इसी कारण से बाहर उनका महत्व नहीं बनता हमारे बंगाल टेनिस क्रिकेट के प्लेयर बॉलर्स। बॉलर्स लोग है ही कहाँ, गिन के तो बहुत रेयर है। हाँ हाँ, हाईलाइट ही नहीं होते वो लोग। अगर फिर ये जो
ये जो सबको बोलते हैं कि छोटा ग्राउंड, मगर मेरा मानना है कि छोटा ग्राउंड किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर के लिए नहीं है, वो तो 22 प्लेयर जो खेल रहे सबके लिए ही छोटा है। तो छोटा ग्राउंड बोल के या बड़ा ग्राउंड, ये तो मतलब मतलब इस पे बोलना है कि अगर बॉलर्स को भी, मतलब बॉलर्स को भी सोचना है तो बॉलर को भी तो रोकना है। दस ओवर, अब एक बॉलर बहुत अच्छा बॉल किया, ठीक है, बैट्समैन जोर से बैट चलाए, एज लग के छक्का हो गया पीछे, उसमें बॉलर क्या करेगा। ठीक है, तो बाकी बाकी जो बॉलर को 100% मिस कराना है। अब एक ही क्वालिटी का बॉलर सब नहीं होता, सबका अपना अपना क्वालिटी होता है। वो तो अब कोई स्लोअर बॉल मारा, बैट के टो में लग के मारा, लेग साइड में टो में लग के स्ट्रेट छक्का हो गया, ग्राउंड छोटा है इस वजह से, जो कि थोड़ा एवरेज ग्राउंड में वो कैच हो सकता था, कैच हो सकता। अब 10 ओवर में 200 रन बन रहा है, 10 ओवर में 200 रन बन रहा है, वो भी ऑलमोस्ट चेज हो जा रहा है, तो कंपटीशन कहाँ है? ये तो ठीक है, मगर बहुत जन वीडियोस मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर किसी का भी प्लेयर का वीडियोस आता है, जब मानिए राज पासवान या आफी का आया KMPL का, तो बहुत लोग बोलते हैं कि ग्राउंड छोटा है। तो ये ग्राउंड तो पर्टिकुलरली सचिन तिवारी या जगत सरकार या राज पासवान के लिए छोटा नहीं है, वो तो सबके लिए है, तो बाकी लोगों ने क्यों नहीं मारा, ये भी तो एक पॉइंट है। बाकी बात सही है, ये वाला पॉइंट आपका बात सही है, लेकिन जहाँ पे बॉलर को एक बॉल अच्छा किया वो एज लग के छक्का हो गया, हाँ, वो आउट हो जाता, मतलब बैट्समैन को चांस मिल गया ना, बात समझ रहे, तो वो बैट्समैन सरवाइव कर गया उस बॉल पे, अब उसके बाद वो सब बॉल मिडिल से मार रहा है, बैट्समैन अगर आउट हो जाता तो वो रन तो नहीं बना सकता बैट्समैन से। KMPL में भी आप एक शॉट मेरा देखिए ऑफ साइड में, वो गलती से छक्का हो गया, थोड़ा बड़ा ग्राउंड होता वो कैच हो जाता, वो ग्राउंड छोटा के वजह से छक्का हो गया, मतलब प्लेयर लोग को भी पता है जो बैट्समैन लोग है कि ये वाला बॉल आउट होने वाला ही था, सबको पता रहता है वो चीज, सब जो क्रिकेट खेलता है उसको समझ में आ जाता है ये चीज गलत है। तो ग्राउंड छोटा, थोड़ा सा ग्राउंड फैक्टर है, और यहाँ पे छोटा ओवर का गेम रहता है, सब उतरना है और बरसाना है। तो पांचवा सवाल में हम जाएंगे, पांचवा सवाल आपके लिए फिर से क्विज रहेगा, ये इंटरनेशनल क्रिकेटर है, आपको गेस करना है, सेम फॉर ऑडियंस, चार ऑप्शन आएंगे, पहचानो कमेंट करो। ये वाला बताए, गेस द इंडियन क्रिकेटर, मनीष पांडे, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, एमएस धोनी। रोहित शर्मा ये आपका हाथ है या क्या है? करेक्ट जवाब, पहचाना कैसे? पहचान में बिल्डअप से पहचाने, बैक साइड से समझ में आ रहा है, रोहित शर्मा थोड़ा बल्कि है, युवराज सिंह थोड़ा लंबा है, धोनी थोड़ा सा कम है। अच्छा, इसमें अभी एक लास्ट और एक सवाल रहेगा जो हम कर रहे हैं, हाल ही में हमने एक पोस्ट दिया था, ठीक है, उस पर आपका ओपिनियन क्या है, आपने दिया है ओपिनियन फिर भी पूछ लेते हैं, हमने पोस्ट दिया था इस पे आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? ये तो हम अपने टीम को ही सपोर्ट करेंगे, जिस टीम में हम है। इस टीम में ना, मगर आपको मतलब बैटिंग लाइनअप टीम का देखकर डर नहीं लग रहा? अरे वो बैटिंग लाइनअप से कुछ नहीं होगा, ये वो टीम 10 में 9 बार हारेगी। बैलेंस के बॉलिंग के लिए, बैलेंस हम नहीं, बॉलिंग नहीं, बैलेंस टीम का, बैलेंस बी टीम का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब हम भरेंगे नेक्स्ट राउंड जो है वो नॉन क्रिकेट राउंड रहेगा, नॉन क्रिकेट राउंड के में क्रिकेट भूल जाइए आप, आपके लिए आपका जो है अभी पैशन, हॉबीज, इन सब चीजों पे बात करेंगे, म्यूजिक, सिनेमा, सब चीजों पे बात करेंगे, ठीक है? आदित्य खुश हो गया क्या इस सेशन पे? आदित्य को देख रहे ज्यादा ही खुश है, कुछ इंपैक्ट करेगा तो हमेशा ही खुश रहता हूँ। नहीं, मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, ग्राउंड हो, ग्राउंड के बाहर हो, कुछ भी हो, मैं मस्त रहता हूँ। नॉन क्रिकेटिंग राउंड को बढ़ा रहे हैं, तो नॉन क्रिकेट राउंड का पहला सवाल आपके लिए रहेगा, क्योंकि बंगाल है, दुर्गा पूजा कहाँ पसंद है, नॉर्थ कोलकाता, साउथ कोलकाता? दोनों में डिफरेंस है कि नॉर्थ कोलकाता ट्रेडिशनल फॉर्मेट का बनाते हैं, साउथ कोलकाता टीम बेस्ट है, अब आपको कौन सा पसंद है? मेरे को नॉर्थ कोलकाता ज्यादा पसंद है, शुरू से नॉर्थ कोलकाता,
साउथ कोलकाता में अड्डाबाजी करने के लिए हम लोग जाते हैं एक्चुअली. अच्छा. बट पूजा एक्चुअली घूमना हो तो नॉर्थ कोलकाता में मजा आता है. हमारे यहाँ आते हैं अड्डाबाजी करने के लिए. हाँ रात में. हम लोग के यहाँ थोड़ा खुला मेला एरिया है तो मजा आता है. दुर्गा पूजा के मेरे कंप्यूटर में एल्बम है 2014 से लेके 2018 या 19 तक. अच्छा. सारा पंडाल का फोटो पूरा रात घूमते हैं पूरा रात. मतलब हम लोग के यहाँ ये पकड़ लीजिए जो नागतला चेतला वाला देखते हैं ना, A to Z. हाँ कुछ नहीं छूटता है. अब थोड़ा सा ये हो गया बोरिंग लगता है मतलब इतना घूमना. एक दिन हम लोग का डांडिया रहता है अष्टमी या नवमी के दिन डांडिया रहता है और हम लोग घूमना शुरू करते हैं पंचमी से और पूरा रात पैदल ही घूमते हैं. अच्छा. कुछ नहीं. और हाँ फिर जब थोड़ा सा रात हो जाता है या फिर सुबह के टाइम बाइक लेके फिर बाइक कोई साउथ वाउथ घूम के खाना पीना नहीं तो पैदल ज्यादा घूमते हैं बाइक लेके नहीं निकलते. पैदल ज्यादा मजा आता है बाइक में. हाँ. जगह जैम रहेगा ये घूम नहीं सकते बाइक में. पंडाल नहीं देख सकते मेला नहीं घूम सकते देखते हैं. देशोप्रिय पार्क जिस साल वो एक्सीडेंट हो गया था. हाँ, हाँ, हाँ. वो जब बना था हम लोग पहले ही दिन चले गए थे देखने. एक्साइटमेंट इतना बड़ा चीज बना रहा है. दुर्गा पूजा का अलग ही वो तो पृथ्वी सबसे बड़ा दुर्गा सबसे बड़ा क्या हाइट. और मतलब अभी जैसा ITC सोनार बंगला का वो नया वाला बना है बाईपास में उस टाइप का व्यू था पूरा पूरा उस टाइप का. तो उस साल काफी तो अगला सवाल में जाते हैं. अगले सवाल में जाते हैं. अगला सवाल ये है कि ज्यादा क्या प्रेफर करते हैं चाय या कॉफी. हम कॉफी दूध पीते एक्चुअली ज्यादा. चाय और कॉफी ज्यादा नहीं बट दूध का शौकीन है बचपन से. दूध डेली डेली चमड़ी उधारते हैं. डेली 1.5-2 लीटर दूध चाहिए. अच्छा तो महेंद्र सिंह धोनी लग रहे हैं आप. पचाते कैसे फिटनेस पचाते हैं इसको फिटनेस ट्रेनिंग करके. आदत हो गया शुरू से. हम लोग एक्चुअली गांव में नानी के यहाँ जाते थे तो वहाँ पे बहुत बहुत है. अच्छा आपका मतलब जो मतलब हेरिडिटरी प्रॉपर्टी जो जहाँ कहाँ से है आप मतलब बिहार यूपी. अच्छा यूपी के हैं. अच्छा जौनपुर मतलब मिर्जापुर जौनपुर कालीन भैया रतिशंकर बदलापुर. बदलापुर में नानी का घर है. अच्छा एक और कहा है आप तो आपका तो सारा नाम जो बोल रहे हैं सब कालीन भैया बदलापुर तो हाई लेवल डोज है. अच्छा सिनेमा देखना पसंद है. सिनेमा देखना पसंद है. कौन सा मूवी लास्ट अच्छा लगा है और फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस. लास्ट मूवी अभी तो जो देख रहे सब नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज हो गया या फिर लास्ट वेब सीरीज क्या देखे. अभी चल रहा है 100 नेटफ्लिक्स पे. और बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस. बेस्ट एक्टर मेरा फेवरेट मतलब वो ही नहीं है. पर्सनल एक्टर बेस्ट मुश्किल है. शाहरुख खान था. अच्छा हाँ मतलब अभी भी है. हाँ अभी भी है बट एक्टर लोग उतना हमें को रियल मतलब रियल स्टोरी पे जो मूवी निकल रहा है वो हम ज्यादा देखते हैं. मनोज बाजपाई इरफान खान इरफान खान नवाजुद्दीन एक्टिंग के मामला में ये लोग बेस्ट है. पंकज त्रिपाठी. और एक्ट्रेस बोले तो बोलिए एक्ट्रेस. कोई एक्ट्रेस कोई अच्छी नहीं लगती है बॉलीवुड की. अच्छा सब फेक. तो बचपन में जब हम लोग सबको बचपन से ही टीवी देख रहे हैं तो बचपन में टीवी में जब संडे को स्पेशली क्या देखना पसंद था. माइथोलॉजिकल सीरीज या शक्तिमान. शक्तिमान का 2-3 इंसिडेंट हम शेयर करेंगे. शक्तिमान के हम बहुत बड़े फैन थे. हम लोग के घर पे बिल्डिंग में जो भी रहता था 2-4 बच्चा लोग तो एक बार सब हिम्मत करके डिसाइड किया कि 2 तल्ला था उधर से जंप करना है. कूदेगा सब शक्तिमान बन के. शक्तिमान बचाने आएगा क्योंकि वो क्लाइमेक्स में हमेशा शक्तिमान आ जाता था बचाने के लिए. तो सब लोग मेरे को वो कर दिया कि पहले तुम हम भी जोश में आके कूदे हाथ वाथ उठा के 2 तल्ला से धाम से नीचे. कुछ हुआ नहीं घर से फिर
आरजीगर पास में आरजीगर पहुंच गए, माता में स्पीच आया तीन चार बेहोश मतलब ये तो फिर शक्तिमान जो बोलता रहा पहले कि ये सब घर में करना नहीं चाहिए, केस निकल गया एक मेरे साथ हुआ है ये मस्त। और मेरे घर में मेरे पापा लेके आए थे शक्तिमान का ड्रेस, बड़े पापा मतलब फुल शक्तिमान फैन मतलब नहीं वो लोग मेरे को चिढ़ाने के लिए मतलब कि आया नहीं तुम्हारा तो लोग कपड़ा और पजल मिला था शक्तिमान का लेके आए थे बड़े पापा वो गिफ्ट किए थे तो सब लोग समझाने के लिए। पांचवा सवाल जो है इसी पे रहेगा, क्विज है, एक सॉन्ग है जिसको आपको पूरा करना है, सेम फॉर ऑडियंस, एक गाना आएगा पॉपुलर गाना है, चार ऑप्शन रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कीजिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, फिल इन द ब्लैंक्स, बीवी बीमार है, करीब में ससुराल है, कल तो रविवार है, कहो ना प्यार है। अब ये बताना पड़ेगा कहो ना प्यार है, यही सब मजाक, ये सब ब्लैक पुलिंग हो रहा है, मेरे को लग रहा है रैगिंग हो रहा है कॉलेज में। ऑप्शन कैसा था? कॉलेज में तो रैगिंग हुआ नहीं होगा। ऑप्शन कैसा था? नहीं हुआ था, अच्छा था कॉलेज में रैगिंग, मेन मजेदार। हाँ रैगिंग तो सबका ही होता है यार, बीटेक में भयंकर रॉड करता है, इतना प्रेशराइज कर देता है फर्स्ट ईयर वालों को। तो अगला सवाल पे जाते हैं, तो मेट्रो पे तो चढ़ते ही है, दमदम में रहते हैं तो मेट्रो तो रेगुलर ही है, तो फेवरेट मेट्रो स्टेशन बनता है मतलब, क्योंकि हम तीनों ही कलकत्ता बेस है, जैसे कि मेरा मेरा फेवरेट अगर बोले तो मैं गीतांजलि को मानता हूँ, मेरे घर के सामने गीतांजलि मेट्रो स्टेशन है, कारण यह है कि फुटफॉल कम है, बहुत साफ सफाई साफ सुथरा है। वैसे आपका कौन सा है? आपका कौन सा है? मेरा भाई मेरे को बताऊंगा बाद में। अच्छा गिरीश पार्क मतलब कारण गिरीश पार्क सब लोग ट्यूशन पढ़ने वही आता है और आती है, तो स्कूल में जब थे तो गिरीश पार्क से आना जाना ज्यादा होता था। मेरा धर्म तल्ला है, उसका कारण ये है कि धूप गर्मी का समय है, जीटी रोड से कौन जाएगा, अंदर ही निकल अंदर घुस जाओ सबवे से कहीं निकल जाओ। अच्छा अभी अभी बढ़ेंगे हम लोग रैपिड फायर राउंड, जो तीसरा राउंड है उसमें जाएंगे, आपको स्ट्रेट सवाल करेंगे, ऑप्शन देंगे नहीं देंगे, जो आपके माथे में डायरेक्ट आएगा वो आंसर दे देंगे आप। तो बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड में। पहला सवाल जो रहेगा, प्लेस यू लाइक टू ट्रेवल, माउंटेन साइड, हिली प्लेसेस और सी बीच? सी बीच। अच्छा बीच पसंद है, मतलब कैसा टाइप का, मतलब दीघा वीघा मिनी गोवा की असली गोवा? नहीं नहीं गोवा, गोवा हम दो बार गए, बस मजा आता है। अच्छा मालदीव दुबई ये सब जगह जाने का मन। अब मिनी गोवा नहीं गए हैं? गए मंदारमनी गए, दीघा नहीं गए, दीघा एक बार गए थे बट बीच अच्छा, पे बहुत अच्छा गंदगी रहता है। हाँ। नहीं अच्छा लगा मंदारमनी, ज्यादा क्या वो है क्लीन। हाँ डिसेंट है मंदारमनी। अच्छा तो सेकंड क्वेश्चन ये है, सिटी सेंटर वन या सिटी सेंटर टू, प्रेफरेंस कौन सा है? सिटी सेंटर वन, बहुत इमोशन जुड़ा हुआ है सिटी सेंटर वन। कॉलेज के करीब है ना। अच्छा कॉलेज के करीब है। तीसरा सवाल रहेगा कि अड्डा है नॉर्मल दोस्तों के साथ देना है, कहाँ देंगे, इंडियन कॉफी हाउस की कैफे कॉफी डे? कॉफी हाउस और क्या, कॉफी हाउस इसलिए अड्डा का आज और नहीं। कॉफी गया है आदित्य कॉफी हाउस? हाँ वहाँ गए दो तीन बार गए हैं। आप भी बोलिए आपके साथ जाएंगे वहाँ पे, एकदम कैमरा वैमरा लगा के शो कर देंगे। हाँ एकदम मस्त कोलकाता में मजा आ जाएगा, बेस्ट जगह है कॉफी हाउस। तो चौथा सवाल ये है कि आज सुबह सचिन तिवारी उठ के पहले क्या किया, पहला काम जो सचिन सुबह उठ के किया, मतलब अंगड़ाई लेके बस उठा है उसके बाद क्या करें? नहीं भाई सुबह उठ के पहले नाक चेक की, नाक खुला कि नहीं बंद है। सर्दी लगा हुआ है क्या? लंबा सांस ले रहे थे कि फंस रहा है। अच्छा इसीलिए बहुत दिक्कत होता है भाई, सर नाक बंद हो जाता है ना आ नहीं पाते कुछ,
अच्छा पांचवा सवाल जो रहेगा वो रहेगा कि एक टेनिस क्रिकेट ग्राउंड हम दिखाएंगे, हमारा बंगाल टेनिस क्रिकेट का एक ग्राउंड आपको पहचानना है, चार ऑप्शन रहेंगे, दर्शकों के लिए भी है, कमेंट करो आंसर। राजनंदिनी होगा या तो ये होगा लाल का बता दिया। देख लो, देख लो। ये बताइए, गेस द क्रिकेट ग्राउंड, फुलतला बारुईपुर, लाल का, प्रगति संघ, बागा जतीन, कुमार टुली। बागा जतीन या बरुईपुर का कोई है? कुमार इतना 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 हिंट्स देते हैं कि यहाँ पे हम लोग का पहला मुलाकात हुआ था, हम हमारे साथ मुलाकात दूसरा था, दूसरा हाँ दूसरा मुलाकात बागा जतीन है, ये बागा जतीन है, बागा जतीन, बागा जतीन कैसे बोल सकते हैं, बरुईपुर भी हो सकता है। नहीं नहीं बागा जतीन है, ये वो वाला ग्राउंड का नाम है जहाँ हम लोग खेले थे। वहाँ हमारा आपके साथ मुलाकात हुआ था लाइव के, वहाँ के भैया कहा थे मैच में रिहू के अगेंस्ट मैच था आपका। हाँ हाँ सेकंड मैच हार गए थे, मारा था 96 मारा था रिहू, अच्छा खेला था, बहुत अच्छा बैटिंग बॉलिंग दोनों। तो आपका छठा प्रश्न ये है कि आपका फेवरेट टूर्नामेंट बंगाल टेनिस क्रिकेट में, फेवरेट टूर्नामेंट कोई भी, बाहर का भी बोल सकते हैं बंगाल का भी। मेरा यहाँ पे बारासात वाला फेवरेट है, सुभाष गौर। अच्छा, राजनंदिनी और बड़ा बड़ा टूर्नामेंट सभी बोलता है, बट एवरेज में वो बारासात सुभाष ग्राउंड का मेरा फेवरेट है। अच्छा, ऐसे बाकड़ा खेले कि नहीं? बाकड़ा भी करीबी है बारासात से। बाकड़ा बहुत बहुत 3-4 साल खेले। अच्छा लास्ट ईयर मतलब इस बार ही नहीं गए थे, प्रीवियस नहीं गए। पूछता हूँ एक और सवाल, एक सवाल और पूछ ही देता हूँ, मिठाई में क्या पसंद है, जलेबी या बालूशाही? जलेबी पसंद है थोड़ा, जलेबी रबड़ी लगा के। हम बोले थे ना अब बालूशाही पसंद नहीं है, पसंद कहीं नहीं होगा, मतलब ज्यादा जलेबी रबड़ी देके खाने में पसंद होगा। अच्छा तो इसी के साथ जो है हमारा जो है राउंड का सिलसिला खत्म होता है, फीडबैक दे कैसा लगा, नया चीज हम लोग एवरी टाइम करते रहते हैं। काफी अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है और हम देखते हैं, काफी एंजॉय करता है सब इस चीज को, ट्राई करते हैं कि जो सवाल हो या कुछ हो मतलब दूसरा टाइप का किया जाए। हाँ। नहीं नहीं बहुत अच्छा चीज है कॉन्सेप्ट और काफी मजा आया ये सब देख के। अब तो आपका, 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 आपका क्या है, बीवी बीमार है, करीब में ससुराल है, कल तो रविवार है, ना कहो ना प्यार है। मेरा नहीं तो बीवी, बीवी तो बीमार नहीं है ठीक है, और कल रविवार भी नहीं, कल शनिवार है। और बगल में ससुराल ये नहीं, ये भी नहीं है, दूर है। तो प्लानिंग हुआ है, कुछ प्लानिंग किए हैं शादी का? अब सक्सेस शादी का प्लानिंग अब साल 2 साल मिनिमम टाइम है अभी। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट। जाने से पहले फैंस लोग के लिए एक मैसेज दे दीजिए, मतलब कोरोना कोरोना पीरियड का नहीं है, नॉर्मल मैसेज भी दे सकते हैं कि बंगाल टेनिस। नॉर्मली क्या बोलना है अब, फैंस ट्रू फैंस का मतलब वही है जो बुरा टाइम में सपोर्ट करे, और बुरा टाइम में सपोर्ट करने वाला लोग बहुत कम होता है क्योंकि सब लोग अच्छे टाइम में पूछते हैं सबको, जो मेरे बुरे टाइम पे मेरे साथ रहता है उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं, और पेशेंस रखने के लिए काफी काफी मतलब बहुत धन्यवाद इन फ्यूचर, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा थोड़ा सा क्रिकेटिंग सीजन तो अच्छा नहीं हुआ, तो आई विल फाइट बैक एंड आई विल कम बैक, इस चीज का प्रॉमिस कर सकते हैं। और थैंक यू मेरे को मेरे बुरे टाइम में सपोर्ट करने के लिए, जो लोग भी मेरे को सपोर्ट किया, स्पेशली यूएफए टीम का हम नाम लेंगे, बारासात में एक है यूएफए का टीम, तो उसके डेविड दा और राहुल दा दो मेरे फेवरेट आदमी है, गौरव सिंह मेरा दोस्त है काफी अच्छा, वो तो कुछ लोग है और जिनको बोल रहे वो समझ जाएंगे वीडियो देख के, तो काफी अच्छा लगा मेरे को ये चीज, लॉकडाउन का जो वेब शो है लॉकडाउन शो, तो अच्छा है ये प्लेटफॉर्म जो भी किसी को जानने के लिए पहचानने के लिए। वही था कि मतलब उनका जो पर्सनल लाइफ है उनके बारे में भी जाने सब, टेनिस क्रिकेट के साथ साथ मतलब। हाँ। क्या हो जाता है कि अगर हम ये शो अगर करते
मतलब साथ बैठ के करते कैमरा वैमरा लगा के, तो हमें गिफ्ट देते नॉर्मली यहाँ, क्योंकि हम लोग एड्रेस भेज दे रहे, एड्रेस भेज दे रहे भाई, भेज दे, वो तो भेजते ही रहेंगे, अभी तो भेजिए, टेंशन नहीं है आपको। हाँ तो नॉर्मली अभी क्योंकि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में कुछ देना है, तो हम ऑनलाइन में कुछ बनाए हैं आपके लिए, तो माय प्लेजर, वी लव सचिन तिवारी, थैंक यू भाई, चमड़ी स्पेशलिस्ट लिखना भूल गया, सॉरी, अच्छा हुआ नहीं लिखा। इसी के साथ आप थोड़ा रहिए, इसी के साथ मैं दर्शक को बोल देना चाहता हूँ कि आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किसे देखना है एपिसोड, आप कमेंट करें कैसा लगा, दोस्तों के बीच शेयर करें कैसा लग रहा है एपिसोड, इसके बारे में बताएं। अच्छा तो इसी के साथ मैं होस्ट और दोस्त आपका किशोर कुमार बैनर्जी, मेरे सह होस्ट आदित्य कुमार पांडे और मैं, हमारे गेस्ट आज के सचिन तिवारी की तरफ से टाटा।